इस गणतंत्र दिवस पर दस बातें पहली बार सेना वायुसेना नौसेना को लीड करेंगी महिलाएं कर्तव्य पथ पर अठारह राज्यों की 1900 गाड़ियों की प्रदर्शनी देश का पचहत्तरवा गणतंत्र दिवस इस बार मायनों में खास है इस साल कर्तव्य पथ पर, पर परेड और झांकियों को महिलाएं केंद्रित थीम पर रखा गया है परेड की थीम है विकसित भारत जिसमें पहली बार तीनों सेनाओं का ऑल वुमेन मार्चिंग जेंट भाग लेगा इसका नेतृत्व महिला अफसर के हाथ में ही है इतना ही नहीं परेड करने वाली सभी टुकड़ियों का लीडर महिला होगी बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी की महिला कर्मी 350 सीसी रॉयल एनफील्ड बुलेट्स पर सवार होकर डियर डेविल स्टंट दिखाएंगी। इस साल झांकियों की थीम भारत लोकतंत्र की मात्र का रखी गई है इस साल 16 राज्यों के साथ 9 मंत्रालयों विभागों की झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी देश की टेक्सटाइल संस्कृति को सबके सामने लाने और बढ़ावा देने के मकसद से अंत सूत्र नाम की गाड़ियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी सौ महिलाएं ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट बजाकर परेड का शुभारंभ करेंगी परेड की शुरुआत महिला कलाकारों के प्रदर्शन से होगी ये महिला कलाकार अपने अपने राज्यों की वेशभूषा में विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की जननी इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी थीम पर शंख ड्रम और अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाते हुए परेड की शुरुआत करेंगी साथ ही पहली बार तीस राज्यों की 1500 महिलाएं कलाकार लोक एवं शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत करेंगी पहली बार वुमन कंटिजेंट सभी टुकड़ियों को महिलाएं लीड करेंगी कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में पहली बार ऑल ट्राई सर्विसेज कंटिजेंट हिस्सा लेंगी खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं वास्तुकला वास्तु और हुनर इतने बढ़िया दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाई बाईपास